नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ये टीवी न्यूज। और अभी हम सुलेमानपुर पंचायत में मौजूद हूँ और हमारे साथ गोप जी मौजूद हैं, उदय कुमार उर्फ गोप जी से प्रचलित हैं। ये संघर्ष करके आज देखिए कि मुखिया का ताजपोशी भी इनको मिला है। पंचायत की जनता कहीं ना कहीं इनके उम्मीद करके भरोसा करके इनको वोट दिया और ये आज चुनाव जीत कर नवनिर्वाचित मुखिया है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे सर, कैसा चल रहा है कार्यकाल? आजकल ठीक चल रहा है, ग्राम सभा हुआ है। जो पूर्व मुखिया थे वो आपको पूरा चार्ज दे दिए, पूरे डॉक्यूमेंट आपको सौंप दिए? नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट अभी तक हमको नहीं सौंपा गया। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि 26 जनवरी भी है तो 26 जनवरी को लेकर के पंचायत भवन पे झंडा तोलन करेंगे, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? हाँ, झंडा तोलन के लिए तो बेहतर ऊपर तो मेरी तैयारी है जी। मैं पूरे पंचायत में एक एक घर को इन्वाइट करने जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ढंग से जो है झंडा तोलन होगा, गणतंत्र दिवस बढ़िया से मनाया जाएगा। जैसे अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तीसरी लहर की ऐसी आशंका है, संभावना है, सरकार के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी किया गया है, तो अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे इन्वाइट उनको करें, तो क्या उनको सचेत करेंगे, क्या उनको आग्रह करेंगे? वो तो मास्क जरूरी है, दो गज दूरी तो जरूरी, सबको इन्वाइट के साथ का गाइडलाइन है। जो सरकार का गाइडलाइन है कि कोरोना काल है तो कोरोना काल में कैसे सेफ रहा जाए, उसके लिए मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी ये तो लागू के साथ है जो नहीं। और मुखिया जी, ठंड का भी मौसम है और जैसा कि 9 डिग्री न्यूनतम तापमान देखिए अभी चल रहा है, तो ठंड के मौसम है तो बुजुर्गों के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के लिए क्या कुछ आपने व्यवस्था किया? बुजुर्गों के लिए या ज़रूरतमंद लोग के लिए तो कोई ऐसा फंडिंग नहीं है और अपने तरफ से तो हम कुछ व्यवस्था नहीं किए, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, प्रयास करेंगे, देखते हैं। हाँ, तो अभी 26 जनवरी के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे हमारे पंचायत, अपने पंचायत वासियों को और बिहार वासियों को, जिले वासियों को? मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस पर है जो हार्दिक शुभकामना रहेंगे सारे लोग पर, 2022 का हार्दिक शुभकामना पूरे पंचायत पूरे देश वासियों का। तो ये थे हमारे साथ उदय कुमार जी, जो उर्फ में इनको गोप जी कहते हैं, गोप जी से प्रचलित हैं और संघर्ष करके ये स्ट्रगल करके जमीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के जब जनता से बातचीत किया था और आपको भी दिखाया था, जब इनसे पहले भी रूबरू आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, यहाँ की जनता हमें बता रहे थे ये संघर्ष किए हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं, मुखिया बनने के बाद भी लोगों के बीच बने रहते हैं और इनका जो दिन का दिनचर्या है 12 बजे तक ये लोगों की बात सुनते हैं और उस पर काम करते हैं, गंभीरता से लेते हैं, ऐसा यहाँ की जनता भी बता रहे थे क्या सर? रोज बैठते हैं 12 बजे? रोज 12 बजे तक रोज बैठते हैं, रोज बैठते हैं, काम भी गंभीरता से करते हैं, बस एकदम करते जा रहे हैं, अभी तो करते जा रहे हैं, पीछे क्या करेंगे सर? उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद तो है, उम्मीद है ना।